हाई ऑल दिस इज़ एंजली एंड वेलकम टू माई चैनल सो दिस इज़ आर डे टू ऑफ द फिफ्टीन दे क्रैश कोर्स फॉर द कम्प्लीट सिलेबस ऑफ कंप्यूटर साइंस क्लास ट्वेल्व सी बी एस ई बोर्ड सो एग्ज़ाम आ रहे हैं बहुत ही पास और हमारा जो टारगेट था कि हम जनवरी में सिलेबस एक बार पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे एंड देन फेब में हम करेंगे सैम्पल पेपर्स राइट मॉक टेस्ट पेपर्स ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए और उसके बाद बीस फेब के बाद में आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगे फिर आप अपना कॉन्सेंट्रेट कीजिए पहले की चीज़ों पर और फिर हम पढ़ेंगे एग्जाम से पहले सो so, इसी स्ट्रैटी को आगे चलाते हुए हम अपना फिफ्टीन डे क्रैश कोर्स पूरा करेंगे और आज है डे टू सो डे वन में हमने किया था रिवीजन टू और वन जिसके अंदर आपने पाइथन बेसिक्स रिवाइज किए आपने रिवाइज किया कि किस तरह से कंडीशन चेक होती हैं कैसे लूप्स लगते हैं तो फंडामेंटल्स के क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं दैट वी हैव डन इन द फर्स्ट क्लास नाउ इट्स डे टू यहां पर हम पढ़ेंगे पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि लिस्ट टपल स्ट्रिंग एंड डिक्शनरीज राइट तो ये चारों डेटा स्ट्रक्चर्स मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको क्या पता होना चाहिए ऑल दो इट्स अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक सो अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है आपको हेल्प हो जाएगी बट आई एम मेज्यूम कि आपको पहले से नहीं पता है सो वी विल बी डूइंग ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स इन टूडेस क्लास सो वॉच द वीडियो टिल द एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट और जब हम वॉक टेस्ट शुरू करेंगे आप देखेंगे कि कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिविजन टूओ में से आते हैं एग्जाम में सो अराउंड एट टू टेन मार्क्स तो मिनिमम रिविजन टूव में से आता ही आता है आउट ऑफ योर सेवेंटी मार्क्स थियोरी एग्जाम राइट सो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है तो फटाफट -फड़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लो सौ लाने हैं की नहीं लाने लाना ना सो इफ़ यू आर टारगेटिंग अबव नाइन्टी देखो हंड्रेड टारगेट करके चलो तो नाइन्टी अबव आते हैं है ना और हंड्रेड भी आ सकते हैं ऑब्वियसली बात है अगर आप अच्छे से कर रहे हो और पेपर भी पूरे कंसंट्रेशन से कर रहे हो सो so, फटाफट -फड़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी कंटेंट प्रिपरेशन के लिए अपलोड होगा वो आपको मिलता रहे टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं सो पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास चार डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं टपल लिस्ट स्ट्रिंग एंड डिक्शनरी जिसमें से टपल और लिस्ट जो है हमारा वो प्रोसेसिंग में काफ़ी हद तक सिमिलर होता है लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है कि टपल इज इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल ठीक है सो जो लिस्ट है हमारा दैट इज म्यूटेबल सो टपल इज एन इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर वो डू वी अंडरस्टैंड बाई दैट इम्यूटेबल का मतलब है जिसमें आपने एक बार वैल्यूज पुट कर दी फिर वो मॉडिफाई नहीं हो सकती है राइट वेर एज म्यूटेबल में अगर हमने कोई वैल्यूज चेंज पुट करी है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं एग्जाम्पल टपल अगर आपको क्रिएट करनी है सो यू विल बी यूजिंग राउंड ब्रैकेट्स या आप कोई भी ब्रैकेट नहीं दोगे तो भी टपल ही क्रिएट होती है सो इफ आई हैव अ कॉमा सेपरेटेड सेट ऑफ वैल्यूज बिना किसी ब्रैकेट्स के तो भी वो उसको टपल ही क्रिएट करेगा अदरवाइज हम राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं सिमिलर वे अगर आपने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स दी होती तो ये बन जाती लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हो राउंड फर्स्ट एलिमेंट ये है और एलिमेंट्स को रेफर भी हम उनकी पोजिशन से कर सकते हैं सो दिस इज योर पोजिशन जीरो दिस इज पोजिशन वन दिस इज पोजिशन टू सिमिलर वे ओवेहर दिस इज जीरो दिस इज वन दिस इज टू अब अगर आपको इसमें ट्वेंटी को प्रिंट कराना है तो आप लिख सकते हो प्रिंट एन फाइन इट विल प्रिंट ट्वेंटी ऑन द स्क्रीन सिमिलर वे हेयर इफ आई हैव टू डू द सिमिलर थिंग प्रिंट ए वन सो दिस विल ऑल्सो प्रिंट ट्वेंटी बिल्कुल सेम चीज है लेकिन अगर आप ए वन को चेंज करके ट्वेंटी फाइव करना चाहते हो यहां पर ऐसे और यहाँ पर देखो एक्सेस करते हुए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट आती है क्रिएट करते टाइम राउंड थी लेकिन जब आप वैल्यूज को फेच करोगे तो राउंड ब्राकेट नहीं होती तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट ही आएगी इसे कहते हैं इंडेक्सिंग कि जो इंडेक्स है उसकी हेल्प से जब हम वैल्यू को फेच करते हैं दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग और इंडेक्सिंग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होती है अब ये वाली स्टेटमेंट से क्या होगा ये ट्वेंटी बदलकर ट्वेंटी फाइव हो जाएगा अगर मैं लिस्ट को प्रिंट कराऊंगी तो लिस्ट हो जाएगी टेन ट्वेंटी फाइव और थर्टी लेकिन ये स्टेटमेंट आपको देगी एरर तो ये स्टेटमेंट एरर जेनरेट करेगी और लिखा हुआ आएगा कि असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल इन अ टपल तो आप एक टपल में असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं वी कैन नॉट असाइन अ वैल्यू इन अ टपल बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल सो जो आपने टपल में एक बार स्टोर कर दिया वो फिक्स्ड है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हम पूरी की पूरी टपल बदल सकते हैं अब आप कहो कि मैम मैंने तो ऐसे लिख के देखा कि ए इज इक्वल टू फिफ्टी कॉमा सिक्सटी ये तो हो गया तो बेटा यहाँ तो आपने टपल ही अलग क्रिएट कर दी ना दिस इज अनदर टपल क्योंकि पाइथन में इम्प्लिसिट वेरिएबल क्रिएशन होती है तो ये अलग टपल क्रिएट हो जाएगी इसका मेमोरी एड्रेस अलग होगा इसका अलग होगा जो एक बार टपल क्रिएट हो गई उसके अंदर वाले एलिमेंट को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते उस चीज़ को कहते हैं इम्यूटेबल दैट वांस द मेमरी इज एलोकेटेड वी के नॉट मॉडिफाई द वैल्यू स्टोर्ड एट दैट मेमोरी उस मेमरी पर पड़ी हुई वैल्यू को आप बदल नहीं सकते हो उसे इम्यूटेबल कहते हैं और जब बदल सकते हैं तो उसे हम म्यूटेबल कहते हैं सो टपल इम्यूटेबल है list mutable है लिस्ट म्यूटेबल सो आई होप इतना डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आ गया यहाँ पे और ये भी समझ आ गया कि हम इंडेक्स की हेल्प से वैल्यू को फेच कर सकते हैं एज वेल एज इंडेक्स की हेल्प से लिस्ट के केस में वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली दिस इंडेक्स हैव टू बी वैलिड अब तीन एलिमेंट है और इंडेक्स सेवन दोगे तो तो एरर ही आएगा ना जो इंडेक्स है ही नहीं उस उसपे पड़ी हुई वैल्यू को उठाएंगे तो डेफिनेटली इट विल गिव यू एरर Now, another important point is, कि अगर आपको एक सिंगल एलिमेंट की टपल बनानी है ठीक है टपल जिसमें एक ही एलिमेंट हो सो राइटिंग दिस इज नॉट करेक्ट ये टपल क्रिएट नहीं करेगा अगर आप लिस्ट बना रहे हो सिंगल एलिमेंट की तो ये सही है दिस विल क्रिएट अ लिस्ट बट दिस विल नॉट सो so, यहां पर बहुत जरूरी होता है कि जब आपको सिंगल एलिमेंट की टपल बनानी हो तो आपको उसके पीछे कॉमा देके छोड़ना होता है सो फिफ्टी कॉमा ब्रैकेट ऑप्शनल है राउंड ब्रैकेट लगाओ, लगाओ फर्क नहीं पड़ता लेकिन कॉमा होना चाहिए सो इफ यू हैव वन वैल्यू ओनली वी हैव टू लीव अ कॉमा आफ्टर दैट टू मेक श्योर कि वो उसको एज अ टपल क्रिएट करेगा ठीक है सो दैट्स वन थिंग जो आपको याद रखनी है ध्यान रखनी है दूसरी चीज होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग दोनों में यूज होती है चाहे आपका टपल हो चाहे आपका लिस्ट हो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई लिस्ट हो या टपल हो जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं मान लो ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं ठीक है नॉट दिस कुड बी अ लिस्ट इट कुड बी अ टपल तो इसका ये एलिमेंट जीरो पोजिशन पे होगा ये वन पे ये टू पे ये थ्री पे ये फोर पे ये फाइव पे ये नॉर्मल इंडेक्सिंग है विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गोज ऑन राइट अब आप चाहो तो पीछे से भी रेफरेंस ले सकते हो

आप a माइनस फोर लिखो तो भी आपके पास थर्टी ही आएगा सो so, हम एक लिस्ट को एक स्ट्रिंग को एक टपल को पॉजिटिव इंडेक्स से भी फेच कर सकते हैं एज वेल एज नेगेटिव इंडेक्स से भी फेच कर सकते हैं सो बोथ वेज इट कैन बी डन ठीक है So, ये तो हो गया आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है सिंगल एलिमेंट के लिए आप याद करते हो तो ये सिंगल एलिमेंट वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी रिपीटेड क्वेश्चन है सी में जिसमें आपको ऐसे दे देते हैं ए इज इक्वल टू हंड्रेड है ना और फिर बोलते हैं कि अगर मैं यहां पर लिखूं प्रिंट ए इन तो बताओ क्या प्रिंट होगा अब अगर एक टपल या लिस्ट होती तो ये स्टार साइन का मतलब होता है रेप्लीकेशन मतलब रेपिटेशन सो इट विल रिपीट हंड्रेड थ्री टाइम्स सो हम ये सोच सकते हैं कि भाई शायद ये आंसर आएगा लेकिन ये आंसर नहीं आएगा ठीक है ये आंसर नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि ये टपल है ही नहीं ये तो इंटेजर है अगर यहाँ कॉमा होता अगर ये हंड्रेड कॉमा होता तो आपके पास ये आंसर आता बट ये तो सिर्फ हंड्रेड है सो इट इज एन इंटेजर और इसका आंसर ये नहीं आएगा इसका आंसर आएगा थ्री हंड्रेड बिकॉज हंड्रेड इज एंड हंड्रेड इंट थ्री थ्री हंड्रेड लेकिन अगर यहाँ पे कॉमा होता या ये स्क्वायर ब्रैकेट में होता तो आपके पास रेप्लीकेट होता अब रेप्लीकेशन क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ वी हैव सम स्पेशल ऑपरेटर्स जो आप टपल्स और लिस्ट के साथ यूज कर सकते हो मल्टीप्लाई प्लस और इन अब इनका नाम क्या है मल्टीप्लाई को आप रेप्लीकेशन या रेपिटेशन कह सकते हो यह आपका स्ट्रिंग में भी यूज हो जाता है लिस्ट में भी यूज हो जाता है टपल में भी यूज हो जाता है ठीक है रेप्लीकेशन का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ये एक लिस्ट है जिसके अंदर आई हैव फाइव कॉमा हाई क्योंकि लिस्ट हो या टपल हो ये हेट्रोजीनियस होते हैं हेट्रोजीनियस मतलब किसी भी टाइप की वैल्यू इसमें हो सकती है ऐसा नहीं कि नंबर्स हैं तो सारे नंबर्स होंगे नेम्स हैं तो सारे नेम्स होंगे ऐसा नहीं होता आपका एक नंबर है एक नाम है एक फ्लोट है कुछ भी हो सकता है so, सो अगर मैंने ये लिखा और इसको कर दिया मल्टीप्लाई बाय टू तो आपकी ये सेम वैल्यूज दो बार रेप्लीकेट हो जाएंगी तो फाइव हाई एक बार आएगा और फिर से फाइव हाई आएगा अगर मैंने पाँच लिखा होता तो यही वैल्यूज पाँच बार आ जाती सो वील गेट इट अगैन एंड अगैन फॉर फाइव टाइम्स ठीक है, so, का, का काम ये काम करता है अगर स्ट्रिंग भी होती आपके पास सिर्फ जैसे आपने यहां पर लिखा स्ट्रिंग कोड मल्टीप्लाईड बाय फोर तो ये आ जाएगा तो आप ये टपल स्ट्रिंग लिस्ट किसी के साथ भी कर सकते हो देन प्लस का साइन जो है उसका पर्पज है कनकैटिनेशन कंकैटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइन करना अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं जैसे आपके पास है हेलो प्लस वर्ल्ड तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये दे देगा हेलो वर्ल्ड इसको ज्वाइन कर देगा सिमिलर वे अगर आपके पास दो लिस्ट हैं फाइव सेवन ए में है और बी में है नाइन एट थ्री और आप ए प्लस बी करते हो तो आपके पास आ जाएगा फाइव सेवन नाइन एट थ्री सो दोनों लिस्ट जो हैं वो कंबाइन हो जाएंगी मर्ज हो जाएंगी सिमिलर वे टपल्स के साथ भी होगा सो टू स्ट्रिंग्स टुगेदर विल गिव विल अ स्ट्रिंग टू लिस्ट कंकैटिनेटेड टुगेदर विल गिव यू अ लिस्ट, टू टपल्स विल गिव यू अ टपल लेकिन अगर आपने एक अलग और एक अलग वैल्यू के बीच में प्लस लगा दिया तो भैया एरर आएगा और क्या होगा है ना अब इतना भी अच्छा नहीं है पाइथन अच्छा है मान जाता है बहुत सारी बातें पर इतना भी अच्छा नहीं है कि अगर मैं एक इंटेजर और एक स्ट्रिंग को ऐड करूं या एक लिस्ट और एक स्ट्रिंग के बीच में प्लस लगाऊं तो वो नहीं करेगा वो आपको एरर दे देगा ठीक है अब इन ऑपरेटर का नाम है मेंबरशिप ऑपरेटर नाउ व्हाट डू वी मीन मेंबरशिप आपके पास एक लिस्ट है ए और उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं टेन फिफ्टीन एटीन ठीक है 10, 15, 18. अब मैंने लिखा एटीन

इसके बाद लिस्ट और टपल्स में आपको पता होना चाहिए ट्रेवर्सल चाहे स्ट्रिंग हो लिस्ट हो टपल हो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द वर्ड ट्रेवर्सल मीन्स प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस तो एक लिस्ट को या टपल को या स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के मतलब ट्रेवर्स करने के आपके पास दो तरीके होते हैं एक होता है ये वाला फॉर कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख दो इन ए एंड देन यू परफॉर्म वट एवर ऑपरेशन यू वॉन्ट टू परफॉर्म ओवर आपको कंपेयर करना है मल्टीप्लाई करना है प्रिंट करना है जो भी काम करना है वो आप यहाँ लिख सकते हैं एंड वो उतनी बार रिपीट होगा जितने एलिमेंट्स आपकी लिस्ट में हैं जैसे कि फॉर वैल इन ए तो ये ऑटोमेटिकली पहले नंबर को उठाएगा वैल में टेन आ जाएगा टेन प्रिंट हो जाएगा फिर ये थर्टी को उठाएगा थर्टी प्रिंट हो जाएगा फिर ये फोर्टी फाइव को उठाएगा वो प्रिंट हो जाएगा एटीन को पिक करेगा वो प्रिंट हो जाएगा 25 को पिक करेगा वो प्रिंट हो जाएगा ठीक है सो दैट्स हाउ ऑल ऑफ दीस विल बी प्रिंटेड ये सब एक-एक करके प्रिंट हो जाएंगे सो so सही है ठीक है इसका आउटपुट आ जाएगा 10 30 45 18 25 अब मैं ये सेम चीज इस कोड से भी कर सकती हूँ फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए ठीक है तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए क्या होना चाहिए बताओ क्या होना चाहिए फॉर राइट फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए आई एम गोइंग टू प्रिंट ए आई तो सबसे पहले वो क्या निकालेगा Lend. Lend मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस तो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें पांच सो ऑफ ए लिखने से मेरे पास यहां पर फाइव आ गया ठीक है सो लेंथ ऑफ ए इज फाइव नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ लूप जिसमें ये जो i है रेंज फाइव तक चलेगा रेंज फाइव का मतलब है i की वैल्यू पहले जीरो होगी फिर वन होगी फिर टू होगी फिर थ्री होगी ये फोर होगी ये तो आप लूप्स में पढ़ ही चुके हो अब यहाँ पर जो मैं प्रिंट करा रही हूँ वो मैं करा रही हूँ ए आई को सो so, जब मेरा आई जीरो है तो ए जीरो प्रिंट होगा दैट मीन्स टेन विल बी प्रिंटेड फिर आपका आई ऑटोमेटिकली वन हो जाएगा सो ए वन विल बी प्रिंटेड सो इट विल बी थर्टी टू हो जाएगा फोर्टी फाइव विल बी प्रिंटेड थ्री हो जाएगा एटीन printed, फोर हो जाएगा ट्वेंटीड सो आउटपुट टू बी द सेम जो यहाँ था वही आउटपुट यहाँ पे आ रहा है अब देखो इसका क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है या तो ये कोड दिया होगा और आपको आउटपुट बताना होगा फिर तो आपको बस पता होना चाहिए कि करते क्या हैं और आप आउटपुट निकाल सकते हो या आपको लिस्ट का कोई प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जा सकता है तो एक चीज ध्यान रखोगे अगर तो सिर्फ कम्पेरिजन करने हैं या किसी वेरिएबल में एड कराना है तो तो ये वाला लूप चल जाएगा बट अगर आपको लिस्ट के अंदर चेंजेस कराने हैं इफ यू हैव टू मॉडिफाई द लिस्ट तो आपको इंडेक्स वाला लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि तभी अगर आप यहां लिखते हो ए आई इज इक्वल टू मान लो मैं कहती हूं कि पूरी लिस्ट के एलिमेंट्स को डबल कर दो तो ए आई इज इक्वल टू ए आई मल्टीप्लाइड बाई टू वो यहां तो चल जाएगा लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखोगे वैल मल्टीप्लाई इक्वल टू टू तो वो तो वैल को टू से मल्टीप्लाई करेगा ना उससे लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा सो so, अगर चेंजेस कराने हैं तो ये सेकेंड वाला लूप यूज करते हैं लेकिन अगर सिर्फ दिखाना है कंडीशन चेक करनी है तो आप फर्स्ट वाला लूप प्रेफर कर सकते हो अब आपको एक क्लास से तो देखो समझ आ नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे से कि कौन से प्रोग्राम में क्या लगेगा उसके लिए ऑब्वियसली वी नीड वॉट प्रैक्टिस तो बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत डेफिनेटली होती है बिना प्रैक्टिस के आप क्वेश्चंस उतने अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो इस प्रैक्टिस के लिए एज आव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारा थाउजेंड एम सीरीज जो है उसमें से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें आउटपुट क्वेश्चन काफ़ी सारे मैं कराती हूँ इसके अलावा आज आ, शाम को मैं उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी सो अन अकेडमी पे टेकिंग अ लाइव क्लास इट्स एब्सोल्यूटली फ्री क्लास कोई भी ज्वाइन कर सकता है सो यू कैन ज्वाइन द फ्री क्लास एट फोर फोर्टी फाइव टूडे टूडे दैट इज़ सेटींथ ऑफ राइट सो right? So 4:45 is इज दैट क्लास आपको सिर्फ उसको अनलॉक करना है विद माई नेम अंजली लूथरा फ्री क्लास है आप उसमें आओ मैं काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी जो लिस्ट एंड टपल्स पर बेस दैट इज लाइक वन shot ऑन लिस्ट एंड टपल्स लिंक है डिस्क्रिप्शन में बाई चांस आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते हो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो ठीक है सो एनी हाउ ये तो हो गया ट्रिवर्सल सो ट्रिवर्सल हो गया अब इसके अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है स्लाइसिंग जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं स्लाइसिंग चाहे टपल में हो चाहे लिस्ट में हो चाहे स्ट्रिंग में हो डिक्शनरी में स्लाइसिंग होती नहीं है ठीक है सो टपल में हो लिस्ट में हो स्ट्रिंग में हो डिक्शनरी में हम स्लाइसिंग नहीं करते बट इट इज़ सेम इन ऑल दीज थ्री स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल का नाम देंगे वो चाहे टपल का वेरिएबल हो चाहे लिस्ट का चाहे स्ट्रिंग का तीन चीज़ें देते हैं हम स्क्वायर ब्राकेट में स्टार्ट एंड एंड स्टेप ठीक है वी कैन गेव दीज थ्री थिंग्स जैसे रेंज में होता है ना लूप में तो शुरू कहाँ से करना है कहाँ तक जाना है एंड कितने से आपको हर बार इंक्रीज करना है तो स्टेप जो है वो बाय डिफॉल्ट वन होता है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे तो स्टेप विल बी टेकन एज वन एक चीज हमेशा याद रखोगे कि जब स्टेप पॉजिटिव है तो वैल्यूज विल बी टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सो अगर आपका स्टेप पॉजिटिव है तो लिस्ट हो टपल हो स्ट्रिंग हो आपको वैल्यूज पिक करनी है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड लेकिन अगर आपका स्टेप नेगेटिव है माइनस वन है या कुछ ऐसे है तो वैल्यूज हैव टू टू बी पिक्ड फ्रॉम राइट लेफ्ट उल्टे ऑर्डर में आएंगी हमेशा ठीक है ये चीज ध्यान रखनी है अब स्टार्ट और एंड में से जो एंड वाली पोजिशन है अब स्टार्ट और एंड डिपेंड करते हैं अगर तो स्टेप पॉजिटिव है तो ये छोटा होगा ये बड़ा होगा स्टार्ट छोटा होगा एंड बड़ा होगा और अगर नेगेटिव है तो आपका स्टार्ट बड़ा होना चाहिए और एंड छोटा होना चाहिए क्वाइट रीजनेबल है ना सिंपल सी चीज़ है लॉजिकल कि भाई अगर आगे जाना है तो ये छोटा होगा ये बड़ा होगा अगर पीछे को आना है तो ये स्टार्ट जो है वो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और एंड छोटी वैल्यू होनी चाहिए सो वी कैन डू लाइक दैट अगर स्टार्ट मिसिंग है अगर स्टार्ट गिवन ही नहीं है तो इट्स टेकन एज जीरो बाई डिफॉल्ट सो इट इज बाई ज़ीरो इट इज़ ज़ीरो बाई डिफ़ॉल्ट

पोजिशंस लिख लो है ना हमको टेंशन चाहिए ही नहीं क्यों ऐसे उंगलियों पे गिनो या पेंसिल रख रख के गिनो इट्स बेटर यू राइट डाउन द इन द रफ पार्ट आपने लिख लिया भाई ये सबकी पोजिशन हो गई अब आने दो जो क्वेश्चन आता है अब क्वेश्चन कहता है कि थ्री कोलन एट को प्रिंट करा वेरी सिंपल थ्री कोलन एट थ्री पे क्या है पी तो मतलब वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पी एंड कहाँ करना है एट पे मतलब ये स्पेस पे और स्टेप गिवन नहीं है तो इट हैज टू बी वन बाय डिफॉल्ट सो दैट मीन फ्रॉम थ्री टू यू हैव टू टेक ऑल द लेटर्स सो आंसर विल बी पी यू टी आर पुत्र है ना सो ए एल पु और ए एल कोडर एक ही बात है है ना सो जिनको पंजाबी आती है उनको पुत्र का मतलब पता होगा सो पुत्र इज लाइक बच्चे है ना बच्चा सो यू ऑल आर दल कोडर एज वेल एज ए एल पुत्र एंड यू आर गोन टू गेट द बेस्ट इन यूर सब्जेक्ट सो थ्री कोलन एट से आपके पास आ जाएगा पी यू टी आर एट पोजिशन वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि वो exclusive है. फटाफट -फड़ से लिखो चैट वट विल बी देर सो इट विल प्रिंट ओम ठीक है अगर आप कोलन कोलन टू लिख देते हो तो स्टार्ट नहीं दिया मैंने स्टॉप भी नहीं दिया टू दे दिया मतलब जीरो से शुरू करेंगे विल टेक सी देन विल टेक टू देन वी विल टेक फोर देन वी विल टेक सिक्स देन वी विल टेक स्पेस बिकॉज वो एट पर है देन टेन देन ट्वेल्व देन फोर्टीन ठीक है सो टू टू के गैप पर हमने सारे पिक कर लिए अगर यही चीज़ माइनस माइनस टू होती तो आप लास्ट से शुरू करते पहला ई e आता फिफ्टीन वाला फिर एन आता थर्टीन वाला फिर आई आता इलेवन वाला फिर एस आता नाइन वाला फिर आर आता सेवन फिर टी फाइव पी विच इज एट थ्री एंड ओ विच इज एट वन ठीक है सो जब हमारा पॉजिटिव होता है तो आप जीरो से शुरू करके आगे जाते हैं जब स्टेप नेगेटिव है और स्टार्ट और एंड मेंशन नहीं है तो आप लास्ट कैरेक्टर से शुरू करके पीछे की तरफ आएंगे अगर आपको स्ट्रिंग का लिस्ट का टपल का रिवर्स चाहिए यू वॉन्ट की पूरा का पूरा ही रिवर्स हो जाए तो आप माइनस वन लिख सकते हैं सो इट विल बी गिविंग यू द कंप्लीट रिवर्स ऑफ योर स्ट्रिंग और लिस्ट और टप ठीक है कभी कभी ऐसे आ जाता है दे गिव यू लाइक दिस टेन कोलन माइनस टू सो इफ इट इज टेन कोलन माइनस टू तो टेन तो ये है जहां से मैं शुरू कर रही हूँ लेकिन माइनस लिखा है यहाँ पर तो माइनस टू मतलब ये वाला कैरेक्टर हुआ सी तो हम शुरू टेन से करेंगे माइनस e, टू वाले को हम नहीं लेंगे क्योंकि माइनस टू पर जाके हमें रुकना है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों ये पॉजिटिव ही हो स्टार्ट और एंड तो हो सकता है एक जगह पॉजिटिव इंडेक्स यूज किया हो एक जगह नेगेटिव इंडेक्स यूज किया हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको फेच करेंगे सो तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको ये काम करना है और अगर मान लो कुछ भी नहीं दिया ना स्टार्ट दिया ना स्टॉप दिया ना स्टेप दिया तो इट विल रिटर्न द सेम थिंग एज इट इज तो पूरी की पूरी चीज वैसे ही आ जाएगी जैसे वो ओरिजिनली थी चाहे वो लिस्ट हो चाहे वो टपल हो चाहे वो स्ट्रिंग हो गॉट इट सो दैट्स हाउ इट वर्क सो दैट इज स्लाइसिंग तो स्लाइसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइन सो स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइसिंग हो गया ट्रिवर्सल हो गया नॉर्मल हो गया आप कैसे फेच करते हो ना देर आर सो मैनी डिफाइंड मेथड्स विच कैन बी यूज जैसे कि लेन है लेन का, का काम है लेंथ निकालना सो इट फाइंड्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये सबके साथ चलता है टपल के साथ लिस्ट के साथ स्ट्रिंग के साथ सबके साथ ठीक है देन यू हैव काउंट अगर आपके पास ए इज द नेम ऑफ टपल और लिस्ट और आप काउंट लिख के यहाँ पर एलिमेंट लिखते हो तो वो आपको गिन के बताएगा कि ये एलिमेंट इस लिस्ट में कितनी बार है या ये कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में कितनी बार है सो इट काउंट्स अकरेंस ऑफ द एलिमेंट तो आपका जो एलिमेंट है वो कितनी बार अकर होता है उसको काउंट करेगा देन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंडेक्स ये आपका काम करता है लिस्ट अपल स्ट्रिंग तीनों के साथ इसका काम है सर्च करना ये सर्च करता है कि एलिमेंट हमारी लिस्ट स्ट्रिंग या टपल में कहां पर है और उसकी पोजिशन रिटर्न करता है तो इट सर्च फॉर द एलिमेंट एंड रिटर्न पोजीशन ऑफ फर्स्ट अक्रंस एंड द पोजिशन ऑफ फर्स्ट अक्रंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में और बताती हूँ जैसे कि मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है टेन ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेंटी 12 25 नाउ आई वांट टू काउंट 12 अगर मैंने यहाँ लिखा a.count 12 तो मेरे पास आंसर आएगा 2 क्योंकि काउंट 12 जो है वो दो बार आता है अगर मैं लिखती हूँ हूं a.index 12 तो क्या आएगा तो इट विल शो मी 1 0 1 क्योंकि 12 जो है वो आपका वन पोजिशन पर मिल रहा है फर्स्ट अखरेंस तो जहां पर पहली अक्रेंस होगी वो उस पोजिशन को बताता है सो ए डॉट इंडेक्स ट्वेल्व इज इक्वल टू वन ये आपको ठीक है बाय चांस आप ऐसा एलिमेंट सर्च कर रहे हो जो कि है ही नहीं आपने ए डॉट काउंट फोर्टी लिखा अब लिस्ट में तो फोर्टी था ही नहीं तो काउंट ने जीरो दे दिया कि ठीक है भाई है ही नहीं तो क्या करेंगे लेकिन अगर आपने यही चीज इंडेक्स के साथ लिखी होती ए डॉट इंडेक्स फोर्टी तो ये आपको एरर दे देता तो अगर आप एक ऐसी वैल्यू सर्च कर रहे हो जो आपकी लिस्ट या टपल में है ही नहीं या स्ट्रिंग में है ही नहीं तो वो एरर जनरेट करता है आपको एरर जनरेट करके देगा यही सेम चीज आपकी स्ट्रिंग में होगी तो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है लेट्स से आई हैव पाइथन और इसके अंदर मैं कुछ सर्च करना चाहती हूँ मैंने यहाँ लिखा है ए डॉट फाइन्ड टी तो टी कौन सी पोजिशन पे है टू पोजिशन पे तो जीरो टी है आ जाएगा अगर आप यहाँ पे ए डॉट इंडेक्स लिखोगे तो भी आपके पास टू आएगा तो मतलब फाइंड और इंडेक्स दोनों सेम काम करके देते हैं स्ट्रिंग के केस में जब तक वो कैरेक्टर आपके पास है स्ट्रिंग में लेकिन अगर आप एक ऐसा कैरेक्टर ढूंढ रहे हो जो कि है ही नहीं जैसे कि अगर मैं इसमें के सर्च करूं तो पाइथन में तो के है ही नहीं है ना पाइथन में के है ही नहीं तो क्या होगा ये आपको माइनस वन देता है सो so, पुरानी लैंग्वेज की कन्वेंशन है सी सी प्लस प्लस से चला आ रहा है ये चीज कि भाई अगर कुछ ना मिले तो माइनस वन रिटर्न कर दो तो उस बेसिस पे इन्होंने ये कोड बनाया हुआ है क्योंकि पाइथन इज ऑल्सो कोडेड इन सी लैंग्वेज है ना सो so, पाइथन पूरी बनी ही उसमें है सो ए डॉट फाइंड के क्या कर रहा है ये आपको माइनस वन देगा कि भाई है नहीं हमारे पास ये वैल्यू जॉब ढूंढ रहे हो वी कंट फाइंड इट लेकिन अगर यही चीज इंडेक्स के साथ हो जाए आप ऐसी चीज सर्च करो जो कि स्ट्रिंग में है ही नहीं तो यहाँ पर भी वो एरर ही जनरेट करेगा सो so, अगर एरर जनरेट नहीं करना चाहते हो देखना चाहते हो मिला या नहीं मिला तो फाइंड से कर सकते हो बट अगर इंडेक्स करोगे तो इट विल जनरेट अ रन टाइम एरर और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वहीं पर रुक जाएगी ठीक है सो दैट्स हाउ फाइंड एंड इंडेक्स डिफर सो दैट्स हाउ दीज फंक्शंस आर डिफरेंट सो so, ये तो हो गया हमारा फाइंड एंड इंडेक्स इसके अलावा लिस्ट के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन है जो टपल्स पे नहीं हो सकते क्योंकि टपल्स पे तो इतने ही होते हैं क्योंकि वो इम्यूटेबल है बट लिस्ट के साथ आपके पास बहुत सारे ऑपरेशन है जो आप परफॉर्म कर सकते हो जिसके थ्रू हम लिस्ट में एलिमेंट्स को एड कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं ठीक है सो ऑल दो फंक्शन में आपको एक एक करके बताती हूँ तो पहला है अपेंट अपेंट का मतलब यू हैव टू एड एन एलिमेंट एट द लिस्ट सो इफ यू राइट ए डॉट अपी तो आपकी लिस्ट मॉडिफाई होकर बन जाएगी टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी एट्टी सो दैट एलिमेंट इज एडेड एट द एंड लाइक दिस ठीक है अगर आपको एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज को अपेंड करना है ठीक मतलब है मतलब काफ़ी सारी वैल्यूज हैं जिनको आप अपेंड करना चाहते हो सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड एक्सटेंड क्योंकि अपेंड सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को एड करता है अगर आपको एक लिस्ट को एज अ सेट ऑफ एलिमेंट ऐड कराना है तो आपको एक्सटेंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा सो अगर आप ऐसे लिखेंगे अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपके पास बनेगा सेपरेट एलिमेंट्स so, है ना फिफ्टी फाइव अलग लिया है उसने सेवेंटी फाइव अलग लिया है अगर ये append होता, तो ये और सिंगल एलिमेंट इंसर्ट होते as a nested list. लेकिन हमने एक्सटेंड किया है तो एक्सटेंड में अलग अलग एलिमेंट्स ऐड होते हैं तो यहाँ पर ठीक like है अलग अलग पोजिशन पर जाएंगे क्योंकि हमने एक्सटेंड किया है आप किसी एक स्पेसिफिक पोजिशन पे भी इंसर्ट करा सकते हो विद हेल्प ऑफ इंसर्ट फंक्शन इसमें हम पहले पोजिशन बताते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर पोजिशन लिखी वन नंबर लिख दिया एटीन तो इसमें क्या होगा जीरो पोजिशन पे टेन है वन पे इंसर्ट हो जाएगा आगे के एलिमेंट्स एक एक पोजिशन आगे शिफ्ट हो जाते हैं तो जिस भी पोजिशन पर हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं वहां पे तो इंसर्ट हो ही जाता है एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स शिफ्ट वन पोजिशन हाउ इंसर्ट देन यू कैन रिमूव आप लिख सकते हो ए डॉट रिमूव और इसमें आप वो नंबर बता सकते हो जो आपको रिमूव करना है सो so, मैंने लिखा ए डॉट रिमूव ट्वेंटी सो ट्वेंटी विल बी रिमूव फ्रॉम योर लिस्ट अगर एक से ज्यादा बार ट्वेंटी लिस्ट में होता तो जहाँ पर पहली बार आएगा सिर्फ वहीं से रिमूव होगा एक टाइम पे एक अक्रेंस रिमूव होती है सो so, जहाँ पे भी फर्स्ट टाइम आ रहा है वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपके पास है पॉप ना पॉप में अगर हम कुछ भी पास ना करें इफ़ वी लीव इट ब्लैंक तो इट विल डिलीट द लास्ट एलिमेंट आखिरी एलिमेंट डिलीट होगा मतलब विल बी डिलीटेड और ये उसको रिटर्न भी करेगा तो ये सेवनटी फाइव को डिलीट करके रिटर्न करेगा ये ऊपर वाले फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं दे जस्ट मॉडिफाइज द लिस्ट बट दे डोंट गिव यू एनीथिंग बैक तो इनका रिटर्न जो है वैल्यू वो सबकी नन है ठीक है दे वोंट रिटर्न बट ये आपको क्या रिटर्न करेगा सेवनटी फाइव क्योंकि उसने लास्ट एलिमेंट को डिलीट किया है अगर आप लास्ट नहीं डिलीट करना चाहते आप अपने आप से किसी पोजिशन पे से डिलीट करना चाहते हो तो यू कैन मैं आप यहाँ डिलीट तो कर देगा टेन को और position, like, delete, वो हमेशा लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है तो पॉप कैन द पोजिशन और इट कैन बी यूज विदाउट द पोजिशन बिना पोजिशन के आखिरी एलिमेंट डिलीट होगा पोजिशन के साथ जो पोजिशन आपने दी है उस पोजिशन पे पड़ा हुआ एलिमेंट डिलीट होगा ए डॉट क्लियर करने से पूरी की पूरी लिस्ट खाली हो जाएगी सो सो होल लिस्ट विल बिकम ब्लैंक आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा ठीक so, है दैट्स हाउ वी डू इट डिलीट करने आप डेल ए टू भी लिख सकते हो सो so, अगर मैं डेल ए टू लिखती हूं तो ए लिस्ट में इंडेक्स टू पे जो वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी ऑब्वियसली इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग क्योंकि ये फंक्शन नहीं है बट आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं राइट right? सो so, ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट में से आते हैं हैं दो सॉर्ट एंड सॉर्टेड आधी जनता इस चीज़ में कंफ्यूज रहती है कि भाई सॉर्ट और सॉर्टेड में फर्क क्या मैम नहीं समझ आ रहा तो पहली चीज तो देखो सॉर्ट कैन बी यूज ओनली विद लिस्ट ये सिर्फ लिस्ट के साथ काम करता है क्योंकि ये आपकी लिस्ट को ही बदल देता है ड जो है वो टपल और लिस्ट दोनों के साथ यूज हो सकता है ठीक है क्योंकि ये ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं करता सो so, ये क्या करता है मॉडिफाइज ओरिजिनल लिस्ट काम दोनों का सेम है काम है कि अरेंज करो वैल्यूज को इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर सो ये आपकी ओरिजिनल लिस्ट को ही मॉडिफाई कर देगा इट डज नॉट सो डज नॉट मॉडिफाई दी ओरिजिनल वैल्यूज ये आपको रिटर्न करता है सॉर्टेड चीज ठीक है so, सो इसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास एक लिस्ट है ए एंड आई हैव और मैं इसको कॉल भी कैसे करूंगी ए डॉट ये डॉट के साथ कॉल होता है ए डॉट शॉर्ट सो ए डॉट शॉर्ट से क्या होगा टू थ्री फाइव सेवन एट आपकी जो लिस्ट है वो मॉडिफाई होकर ये हो जाएगी तो लिस्ट विल बी मॉडिफाइड इट विल बी सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट अगर आप चाहते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो आपको सॉर्ट की ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू तो उससे क्या होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा बट दैट इज वन थिंग और अगर आप यहाँ पे लिखते हो सॉर्टेड ब्रैकेट में ए तो आपकी ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन जो आप रिटर्न करवा रहे हो आपको किसी वेरिएबल में लेना पड़ेगा और उसमें आपके पास सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी बट योर ओरिजिनल लिस्ट विल नॉट चेंज आपकी ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा राइट right? एंड यहां पर क्या होता है डज नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो इसके अंदर आपके पास लिस्ट हो या टपल हो दोनों के साथ इसको हम यूज कर सकते हैं और इसको यूज करने के लिए आप सिर्फ सॉर्टेड ए ही लिखोगे तो वो आपको सॉर्टेड जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा पर जो ओरिजिनल कंटेंट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं करेगा सो so, लिस्ट में सॉर्टेड भी यूज हो जाता है सॉर्ट भी यूज हो जाता है लेकिन टपल के साथ सिर्फ सॉर्टेड ही यूज होता है क्योंकि टपल इम्यूटेबल है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता सो दिस इज़ वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस द डिफरेंस तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ दिस कि कौन सा यूज़ हो रहा है कोड में अकॉर्डिंगली ही आप आउटपुट लिखोगे या जो भी इसको एक्सप्लेन करना है वो करोगे

बहुत ही बड़ा है बिकॉज यू हैव सो मेनी फंक्शंस सो स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं हमारे पास लोअर जिससे आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो अपर जिससे आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हो ठीक है देन यू हैव इज अपर जो कि चेक करके बताता है कि अपर है या नहीं इज लोअर जो चेक करके बताता है कि लोअर है या नहीं इज़ डिजिट जो कि ये चेक करता है कि जो वैल्यू है वो डिजिट है या नहीं ठीक है एंड सिमिलर वे वी हैव इज एल नाम इज एल्फा एल नाम बताता है कि या तो डिजिट हो या एल्फाबेट हो इज एल्फा alpha, सिर्फ एल्फाबेट चेक करता है देन यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कॉल स्प्लिट स्प्लिट क्या करता है कि अगर ए में आपके पास था दिस इज अ कोड तो ये क्या करेगा आपकी पूरी स्ट्रिंग को लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट कर देगा बाई डिफॉल्ट जिस वर्ड पे जिस लेटर पे ये सेपरेट होते हैं वो स्पेस होता है तो जहाँ जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे उसने अलग अलग वर्ड्स क्रिएट कर दिए इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट हम यहाँ पर लेटर भी बता सकते हैं कि, कि किस लेटर के बेसिस पे स्प्लिट करना है वी कैन टेल दैट ऑल्सो ठीक है सो यू हैव रिप्लेस फंक्शन रिप्लेस से क्या होगा आप बता सकते हो कि भाई जहां जहां पे ओ आ रहा है उसकी जगह पर ए कर दो तो स्ट्रिंग में जहां जहां पे ओ है उसकी जगह पर ए हो जाएगा बट यू हैव टू रिमेंगल की स्ट्रिंग का कोई भी फंक्शन हो वो ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता क्योंकि स्ट्रिंग भी क्या है इम्यूटेबल सो so, आपकी औरिजिनल स्ट्रिंग कभी भी चेंज नहीं होती है जो भी चेंजेस होंगे वो रिटर्न होंगे सो हमेशा रिप्लेस जो वापस देगा वो आप बी में ले सकते हो ये जो वापस देंगे वो आप किसी वेरिएबल में ले सकते हो बट इट विल नॉट मॉडिफाई दी ओरिजिनल स्ट्रिंग इट ऑल सो ये तो है स्ट्रिंग लिस्ट एंड टपल्स चौथा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो होता है डिक्शनरी जिसका काम है की वैल्यूज़ को मैप करना तो आपके पास कभी ऐसा डेटा आ जाए कि भाई मेरे पास कंट्री uh, है और उसके साथ मुझे उसका कैपिटल चाहिए तो इंडिया के साथ कैपिटल आपको चाहिए न्यू डेली समथिंग लाइक दैट ठीक है सो डिक्शनरी पे क्वेश्चन रिलेटिवली कम आते हैं इन कंपेरिजन टू लिस्ट एंड स्ट्रिंग मैक्सिमम क्वेश्चन लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स पे होते हैं सो ए इज़ इक्वल टू इंडिया कोलन न्यू डेली फिर अगली कंट्री फिर कोलन उसका कैपिटल सो बेसिकली यू हैव की कोलन वैल्यू ठीक है सो की होती है कोलन का साइन होता है और वैल्यू होती है सो so इसलिए हम इसे की वैल्यू पेयर कहते हैं इसमें जीरो वन टू इंडेक्स नहीं होते आप key की की हेल्प से ही वैल्यूज को फेच कर सकते हो मॉडिफाई भी कर सकते हो सो इट इज म्यूटेबल तो हम इसमें कभी भी चेंजेस कर सकते हैं सो वंस अ डिक्शनरी इज क्रिएटेड इट कैन बी मॉडिफाइड एनी टाइम बाय यूजिंग इट्स की सो इसमें आप इसको चेंज कर सकते हो ठीक है सो इट इज डेटा म्यूटेबल इसमें एक रूल है कि जो कीज है उनका जो डेटा टाइप है वो इंटरजर फ्लोट स्ट्रिंग हो सकता है लिस्ट डिक्शनरी नहीं हो सकता मतलब कोई भी इम्यूटेबल डेटा टाइप जो होता है वो की में यूज कर सकते हैं वैल्यू में कुछ भी यूज करो कीज रिपीट नहीं हो सकती वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखना है कि जैसे अगर मेरे पास एक डिक्शनरी मैंने बनाई और ए में मैंने लिख दिया अंजलि के में लिख दिया कबीर और उसके बाद मैंने फिर से ए दे दिया और वहां पे लिख दिया ठीक है तो वो एरर नहीं देगा कि आपने क्यों यूज कर ली लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस को प्रिंट कराती हूँ तो मेरे पास डिक्शनरी में सिर्फ दो ही वैल्यूज आएंगी और वो वैल्यूज क्या होंगी ए से आ जाएगा आरव ऑर्डर वही रहेगा जिस ऑर्डर में आपने लिखे थे के से आ जाएगा कबीर तो आप अगर सेम की, की वैल्यू दोबारा दे देते हो तो वो यहाँ पर वैल्यू को ही रिप्लेस कर देता है लेकिन एरर नहीं देता ठीक है so, सो अगर मैंने तीन चार बार ए यूज किया होता तो राइट right साइड पे जो सबसे आखिर वाला होता वो आपकी वैल्यू बन जाती उससे पुरानी वैल्यू सारी ओवर हो जाती सो दैट्स हाउ अ डिक्शनरी इज मेंटेन्ड डिक्शनरी में कोई वैल्यू ऐड करनी हो तो हम अपडेट मेथड की हेल्प से करते हैं यहाँ पर अपेंड काम नहीं करता है सो so, आप लिखेंगे ए डॉट अपडेट और इसके अंदर आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं सो दिस विल बी एडेड टू द डिक्शनरी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जितने भी होंगे वो इसमें ऐड हो जाएंगे सो so, वो आपकी डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा इफ यू टू रिमूव सो यू हैव पॉप पॉप में आपको की पास करनी पड़ती है जो की आप पास करोगे उस की वाली एंट्री को वो डिक्शनरी से डिलीट कर देगा अगर आपको सिर्फ आखिरी वाला ही डिलीट करना है तो आप पॉप आइटम कॉल कर सकते हो पॉप आइटम विल डिलीट वट एवर इज द लास्ट एंट्री इन द डिक्शनरी एंड क्लियर करेंगे तो पूरी की पूरी डिक्शनरी खाली हो जाएगी ठीक है सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो आपको डिक्शनरी के पता होने चाहिए बाकी तो देखो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा वास्ट है क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस हैं जो बने हुए होते हैं पहले से और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इन चारों डेटा स्ट्रक्चर्स की तो आई वुड से कि ये तो आपने अच्छे से पढ़ लिया यहाँ पे ठीक है इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगी उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लो ठीक है आई एल शेयर माई हैंड रिटन नोट्स ऑन ऑल दीज टॉपिक्स तो आप वो नोट्स में से अच्छे से सारे फंक्शन भी पढ़ सकते हो एंड uh, इसके वन शॉट्स अभी मैं अन अकेडमी पर ले रही हूँ जैसे मैंने अभी बताया कि अभी वन शॉट है 4:45 पे तो यू कैन जॉइन दैट अलोंग विद दैट अभी आने वाले दिनों में भी पूरे वन शॉट्स होंगे सो so, आप एक बार वो वॉच कर सकते हो और हंड्रेड सॉरी थाउजेंड एम सीरीज वाले क्वेश्चन करते रहो उसमें पाइथन की प्रैक्टिस हो ही रही है तो वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है

एंड समझ आए हैं तो भाई लाइक पे क्लिक कर दीजिए हमें भी पता चले कि कितनों को समझ आया है कोई भी डाउट्स हैं राइट इन द कमेंट्स बिलो समझ आ गया है देन ऑल्सो राइट इन द कमेंट्स बिलो इफ यू आर डिटर्मिंड कि येस मैम प्रैक्टिस करेंगे लाने हैं वी आर इन दी हंड्रेड गैंग हमको हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड लेकर आना है सी राइट डाउन इन कमेंट्स दैट येस मैम जोशेज हाई वील फिनिश दिस सोलह जनवरी से हमने शुरू किया है सोलह फरवरी तक रोज आधा एक घंटा दे दो मोर देन अन्फ एंड दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू गिव यू देश रिजल्ट क्योंकि आपको पता है कि हम बेस्ट ऑफ फोर चूज करते हैं इंग्लिश तो होता ही होता है बाकी के सब्जेक्ट में से जो बेस्ट ऑफ फोर होते हैं वो चूज़ होते हैं तो ऑब्वियसली इसमें अगर आपके हंड्रेड आएंगे तो योर टू बूस्ट राइट एंड इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू गेट हंड्रेड बिलीव मी आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट फॉर सेवेंटीन ईयर राइट सो चलिए चलते हैं अभी के लिए मिलते हैं जल्द ही कल इन द नेक्स्ट क्लास कल हम करेंगे वर्किंग विद फंक्शंस शुरू तो so, हम फंक्शंस पे कैसे काम करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं वी विल बी स्टार्टिंग टुमारो तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ो एक बार में समझ नहीं आया वीडियो को एक बार और देखो